हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल सन मून एंड राइजिंग लियोज। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हवाले से रीडिंग है। टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज अपने जोडियक साइंस के, अपने सन मून राइजिंग जोडियक साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं मेरे अदर कलेक्टिव मैसेज, टाइमलेस मैसेज, क्योंकि उनकी भी टाइम लिमिट नहीं है। तो आप जब भी देखेंगे हो सकता है आपसे रेजोनेट करें। और कलेक्टिव मीन्स कि जितना आपसे रेजोनेट करें उतना लें। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। लियोज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्हाट आर लियोज पार्टनर करंट फीलिंग्स, लियोज के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट आर लियोज पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर लियोज। ओके, अंडरनीथ स्ट्रेंथ का कार्ड है, मींस के वो अपनी स्ट्रेंथ में है और डिसीजन लेने के मूड में है। हो सकता है आप किसी एयर साइन, फायर साइन से ही डील करें अपनी तरह। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो प्रोमिनेंट हो सकते हैं। हो सकता है वो कोई स्ट्रेटजी प्लान करें या कुछ ट्रिक कर, हो सकता है पहले अगर वो आपके साथ ट्रस्टवर्दी नहीं थे तो वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं। ये कार्ड यहाँ पर मुझे मिला है कि एक्स्ट्रा ही कह लें आपको, तो आप इसको एक्स्ट्रा कह सकते हैं। तो इसको मैं कंसिडर करती हूँ फॉर यू, पेज ऑफ कप। तो आपके पास वो आना चाहते हैं फॉर अपॉलोजी, नया स्टार्ट के लिए आना चाहते हैं। यस, अट्रैक्टेड हैं आपके लिए। हो सकता है उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है या आपको मैनिपुलेट किया है किसी वाले से, जो रियलिटी नहीं थी वो मैनिपुलेट करके आपको, अब वो डिसीजन बना रहे हैं कि वो आप चीज़ों को ठीक करें। आपके साथ वो पैशनेट होना चाहते हैं, नया स्टार्ट, पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बट साथ साथ वो नाइट ऑफ सोर्ट्स मीन के यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, कम्युनिकेशन जो है वो सही से नहीं हो पा रही है आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, या तो लेस कम्युनिकेशन है या नो ना होने के बराबर है। तो चाहते तो हैं वो आपके साथ नया स्टार्ट, बट कम्युनिकेशन नहीं है, आप नहीं कर रहे शायद कम्युनिकेशन, तो वो भी थोड़े से डिटैच फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। और उनके वो स्टार चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो वो आपको एज अ मेच्योर परफेक्ट पर्सन समझते हैं और बट उनको लगता है कि आपकी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं आपकी तरफ से, या उनको लगता है कि अगर आप फाइट कर रहे हैं तो उनको भी फ़ाइट बैक करनी चाहिए। अगर आप उनको इनकाउंटर करते हैं तो वो भी फ़ाइट बैक करेंगे, ये उनके माइंड में है इस वक्त। या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्रिएट रखेंगे, उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं हीलिंग, वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप हील हो। वेडिंग, तो उन्हें एडवाइजेस क्या की जा रही हैं, उनको ये एडवाइस की जा रही है या तो ये रिलेशनशिप वेडिंग की तरह स्ट्रांग है और इसमें आपकी आगे जाकर वेडिंग भी पॉसिबल हो सकती है, तो इसको ठीक करना है उनको। रिलीज़ योर एक्स, तो इन्हें कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई पास्ट एक्स पर्सन है तो उसको रिलीज़ कर दें, क्योंकि ये जो नया कनेक्शन आपका है इसमें आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको लगता है कि आप मैरिज मटेरियल है ये पर्सन उनके लिए, मतलब आप मैरिज मटेरियल हैं उनके लिए, तो उनको ये एडवाइस दी जा रही है। सो लेट्स सी के एक और मैसेज लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक योर रोमांटिक जेस्चर, तो यहाँ पे उनको ये कहा जा रहा है अपना लव एक्सप्रेस करें। ये कार्ड इसलिए आए थे कि लव एक्सप्रेस करें, अपॉलोजी करें अगर ज़रूरत है तो, अगर उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला या आपको चीट किया तो अपॉलोजी करें। और मुझे लगता है वो डिसीजन ले रहे हैं कि वो आपको अब सच बताएं, और अगर कोई पर्सन था पास में तो उसको
हो सकता है उनका उन्होंने अपने पास पर्सन को स्टिल अपने साथ रखा हुआ था और आपके साथ भी कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इसके इस चीज़ को उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपके साथ अपॉलोजीज़ करें और आप परफेक्ट पर्सन बने, लाइक एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। यस, वो आपका वेट करेंगे, एफर्ट्स भी पुट करेंगे और वेट भी करेंगे। यस, वो बदलना चाहते हैं अपने आप को। यस, वो अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं अपनी इस आदत से। और नो कम्युनिकेशन, अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे अभी भी, बट या तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स मीन ये हो सकता है कि उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है। अब उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या चलता है वो आपको सही से बताते नहीं हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं और कम्युनिकेशन भी ब्लॉक रखते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। तो हो सकता है वो आगे भी ऐसा करें, बट स्टिल वो आपका वेट कर रहे हैं और इस हवाले से चेंज के बारे में सोच रहे हैं। सो इस सिचुएशन को चेंज करने के वाले से सोचेंगे, उनको बहुत होप है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बट उनकी यही है फोर ऑफ कप वाली, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं वो, इसलिए नो कम्युनिकेशन में वो थोड़ा सा आपका वेट कर रहे हैं, मतलब आपका वेट करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे बट वो वेट करेंगे। सो दैट वॉज योर रीडिंग, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।